नमस्कार दोस्तों, आज 1 अक्टूबर 2022 है और इस बुलेटिन में हम कल का मार्केट एक्शन डिस्कस करेंगे। कल आरबीआई पॉलिसी थी और उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त रैली हमने देखी। उससे पहले अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इंसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो 9871066337 पर कांटेक्ट करें और पेड टेलीग्राम ग्रुप की इंक्वायरी करें। इसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ चुनिंदा इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ऑप्शंस कॉल्स देते हैं, प्लस शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्गर टर्म स्टॉक एडवाइस भी मिलता है। तो ये काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है और कल जैसे दिन पे जहां फाइनेंशियल्स ने बहुत आउट परफॉर्म किया, वहाँ हमारे स्टॉक्स पर्टिकुलरली आरआईएल में जिस तरह की मूव आई तो वो बहुत फायदेमंद ऐसे दिनों पे होता है। तो आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि कल क्या हुआ और इस बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। पहली चीज़ तो ये देखें कि S&P 500 में क्या हुआ। S&P 500 ने अपना 3600 का लेवल जो था वो ब्रेक कर दिया और डिसाइसिवली जून लोज तोड़ दिए। इसके बाद अगर हम डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स अभी भी जो है 112.12 पे है और काफ़ी कंफर्टेबली प्लेस्ड है। USD INR देखें तो यहाँ आपको 81.5 मिल रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स काफ़ी जो है अंडर कंट्रोल नज़र आ रहे हैं। अब इस निफ्टी की रैली को लोग बहुत तरह से पढ़ रहे हैं कि ये एनगल्फिंग बार है और ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा। मैं थोड़ा सा इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि एक बुल मार्केट के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। जहाँ आधे से ज़्यादा दुनिया रिसेशन में जा रही है, रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और हमारे यहाँ भी बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ कम नहीं हो रहे, सारी दुनिया में रेट्स बढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी टाइट हो रही है। ऐसे हालात में आप एक ही कंट्री जो है वो ऊपर जाए और बाकी सब नीचे जाए, ऐसा अनलाइकली है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है कि हम जो है बायस अपसाइड की तरफ नहीं है, ऑल्दो बड़ी एक शार्प रैली आई है। तो कल अगर हम मंडे को गैप डाउन करते हैं तो गैप डाउन यहाँ कहीं खुलेगा 16950-990 के आसपास। तो यहाँ से खुलते सार ही आपको किसी तरह का जो है अपसाइड मिलनी चाहिए और मेरे हिसाब से ये अपसाइड इस लेवल तक जाएगी जो कि 17,100-17,150 के आसपास हो सकता है। तो एक तरह का कुछ एम टाइप का पैटर्न बनेगा और फिर ये यहाँ से फेलियर हो सकता है। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि हम यहाँ से गैप डाउन से ऊपर चलना शुरू होते हैं और एक पॉइंट पे 17,200 क्रॉस कर जाते हैं। ये थोड़ा सा कम लाइकली ऑप्शन है। मेन ऑप्शन आई थिंक एम पैटर्न का होना चाहिए। तो यहाँ पे वापस 16,800 पे जाना एक लाइकली बात है। ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से 17,100 के आसपास जाना लाइकली इवेंट है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे 39,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 39,000 जो है
थोड़ा सा आवरली चार्ट लगाएं, 39,000 जो है इस जोन के आसपास आता है, 38,800, 39,000 मोटा मोटा, और 39,000 से आपको एक वापस डिक्लाइन जो है इस तरफ मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यहाँ 38,800 तक जाएं, थोड़ा सा करेक्ट करें और फिर 39,000 के ऊपर जाएं। ये कम लाइकली ऑप्शन है, लेकिन मार्केट में किसी भी चीज़ को नकारना नहीं चाहिए। ओवरऑल मुझे ये लगता है कि कल गैप डाउन के बाद थोड़ी सी इंट्राडे रैली होगी और फिर उसके बाद जो है शायद बाजार ऊपर से गिव अप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ऑल राइटर जो है वो ऊपर के लेवल्स पे आना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर कुछ डिफरेंट हो सकता होता है, और कई बार हो सकता है, क्योंकि तो मोमेंटम में कई बार एक से दूसरा हफ्ता भी बाजार मोमेंटम में जोश में चले जाते हैं। तो 17,200 अगर निकलता है तो फिर 350 और 450 तक जाना पॉसिबल है, लेकिन वो कम लाइकली ऑप्शन है। मेरे हिसाब से 17,200 और 39,000 से ऊपर जाना मुश्किल रहेगा बाजारों के लिए। कल जो था एफआईआई की लॉन्ग जो थी 14% 13% थी, 13 से वो 1% इंक्रीज हुई है। तो ऐसी कोई लंबी शॉर्ट कवरिंग एफआईआई की तरफ से नहीं नजर आ रही। डीआईआई ने बहुत जबरदस्त बाइंग करी है, तो इसमें ये देखना जरूरी है कि भारी कौन पड़ता है। मेरे हिसाब से ग्लोबल डायरेक्शन में ही मार्केट जाएगी, कभी अंडर परफॉर्म करेगी, कभी आउट परफॉर्म करेगी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो है मार्केट जो है डीकपल हो जाए और बिल्कुल एक अलग डायरेक्शन में चले। अब हम आपको दिखाते हैं कि कल जो है फाइनेंशियल स्टॉक्स में किस तरह की रैलीज देखने में आई। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आरबीआई की पॉलिसी आई तो यहाँ पे जो है बजाज फाइनेंस इस तरह के वर्टिकल मूव आए। तो अगर आपके पास इसकी इंट्राडे ऑप्शन हो, बहुत बढ़िया चलता है। 70 से 80 रुपये ऑप्शन में आपको बजाज फाइनेंस में मिलते हैं, तो ये बहुत बढ़िया में मूव्स मिली। और आरआईएल अगर आप देखें तो कल एक ऐसा डे था जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी बहुत जबरदस्त मूव हुई। पहली बार से ही बड़ा क्लियर था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में बड़ी मूव आने वाली है। तो इस तरह से अगर आप चार पांच शेयर्स पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो बहुत जल्दी आपको ये एंट्री मिल जाती है। तो इस तरह के जो हैं सेटअप्स हम लोग यूज करते हैं बाजारों को जज करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि कुछ आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इससे पहले कि दुनिया में पुल बैक शुरू हो, तब हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन हम अकेले ऊपर जाए और बाकी दुनिया नीचे जाए, वो बात थोड़ी अटपटी लगती है। तो देखते हैं प्राइस एक्शन किस तरह से वर्कआउट होता है। 80% चांस ये है कि हम एक एम पैटर्न बना के वापस आ जाएंगे, 20% चांस ये है कि फ्राइडे के हाई से हम ऊपर निकलेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर निकल जाएं, बट उसकी पॉसिबिलिटी कम है। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना वीकेंड एंजॉय करें, टेक केयर एंड गुड लक।